हाय स्टूडेंट, आई एम रामेश्वर पवार। सब्जेक्ट आर्ट, और आज का हमारा टॉपिक है मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट बहुत सारी डिज़ाइन में होता है। तो यहाँ पे मधुबनी आर्ट जो हम सीखने वाले हैं वो एक फिश फॉर्म हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिश फॉर्म में हमें डिज़ाइन फिल करना है, जैसे कि मधुबनी आर्ट में वो डिज़ाइन होती है, वैसे डिज़ाइन हम इस फिश फॉर्म में फिल करेंगे। तो फर्स्ट हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैं लीड पेंसिल से मैं ड्रॉ करके रख रहा हूँ, जो शेप मुझे चाहिए उस तरह का। इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट सेकंड फिश हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करके लेना है। अब देख रहे कि किस तरह से मैंने फिश फॉर्म फिल किया हुआ है। इस तरह से ड्रॉ करके लेना है। रॉ पे कुछ डिजाइन फिल कर देना है। और इस तरह से डिजाइन फिल कर लेना है प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद इस साइड में डिजाइन फिल कर लेना है। अब प्रॉपर तरीके से हमारा डिजाइन फिल हो चुका है। अब आइज निकालेंगे हम फिश के। चलिए, अब हम इसे बॉर्डर करेंगे ब्लैक। यहाँ पे मैं डायरेक्टली ब्रश यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो मार्कर यूज कर सकते हो, एनी मीडिया, मार्कर, ब्रश, जो चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हमें बॉर्डर कर लेना है, जिस तरह से हमने पेंसिल से ड्रॉ करके रखा था ऑलरेडी। प्रॉपर तरीके से हम आउटलाइन कर लेंगे। इस तरीके से और प्रॉपर तरीके से आउटलाइन कर लेना है। सेकंड फिश को हम आउटलाइन कर लेंगे। इस तरह से देखिए किस तरह से हैंडलिंग हो रहा है, इस पे ध्यान रखना है आपको। इस तरह से हैंडलिंग करना है, जो ब्रश मूव हो रहा है तो वो उसी तरह से आपका मूव होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आप ब्रश करने जाओगे या मार्कर करने जाओगे, लाइनें अगर ठीक से ना हो तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो इसके लिए पेशेंस चाहिए ये करने के लिए, मतलब ध्यान से करना है बिल्कुल। इससे पहले कि आप कंप्लीट पूरा वीडियो देखें और उसके बाद आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ कंप्लीट आउटलाइन हो चुका है। अब इसके बाद हम डिज़ाइन ऐड कर लेंगे उसमें, और इस तरह से, और कुछ सर्कल में हम यहाँ पे डिज़ाइन ऐड कर लेंगे। इस तरह से
अब हम कुछ और डिज़ाइन फिल करेंगे। इस तरह से दोनों फिश में हम डिज़ाइन फिल कर लेंगे। इस तरह से अब देख रहे हो कि कितना खूबसूरत ड्राइंग हमारा हो चुका है फिश का, दोनों फिश का। अब हम उसमें धीरे धीरे डिज़ाइन फिल करेंगे। अब कुछ कर्व में हम डिज़ाइन फिल कर लेंगे, जो मधुबनी आर्ट में ज़्यादातर बहुत सारा ज़्यादा यूज़ होता है ऐसा डिज़ाइन। तो हम मधुबनी आर्ट बना रहे हैं, तो काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको ये मधुबनी आर्ट में इस तरह के ड्राइंग्स। एंड तक करो करना है इस तरह से। यहाँ पे कंप्लीट करो मेरा हो चुका है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब कुछ और डिज़ाइन फिल कर लेना है इस तरह से। सभी कर्व शेप जितने अपने बनाए रखे हैं उसमें ये डिज़ाइन फिल करना है। तो क्या होता है, इस डिज़ाइन के साथ साथ में हमारा जो फॉर्म होता है, मतलब जो फॉन्ट का फॉर्म रहता है, मतलब लाइन वगैरह, तो ये और ठीक से उसका स्टडी होता है इसमें। जो रिदम शेप हमें हम जो कहते हैं इसे, बिल्कुल फ्लैटन फील करना है, या तो आप स्ट्रोक कर सकते हो इस तरह से फील कर लेना है। इस तरह से फिल कर लेना है ए टू जेड जितने हमने सर्कल बनाए। अब देखिए किस तरह से डिज़ाइन फिल हो चुका है हमारा। अब हम और कुछ डिज़ाइन फिल करेंगे इसमें, जो स्ट्रोक के जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन फिल किया है, और यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे। और कुछ इस डिज़ाइन को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो डिज़ाइन बनाए रखे हैं उसको भी हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब हम सेम इसी फिश में कर्व शेप का डिज़ाइन फिल करेंगे, जिस तरह से हमने इस फिश में डिज़ाइन फिल किया था। एंड तक सेम वैसा ही करना है। इस तरह से एंड तक फिल करना है। इस तरह से एंड तक फिल करना है। यहाँ पे एंड तक हमारा फिल हो चुका है। सेम वैसे ही डिज़ाइन हम यहाँ पे फिल करेंगे जिस तरह से हमने इस फिश में ड्रॉ करके रखा था डिज़ाइन। और इस तरह से वहाँ पे हम एक एक करके सब डिज़ाइन फिल कर देंगे। अब देख रहे हो कि कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन दिख रहा है ना। अब सेम वैसा ही डिज़ाइन हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अच्छा है तो आप इसमें कलर कर सकते हो। इस तरह से डिज़ाइन फिल कर लेना है।
इस तरह से। एंड तक डिजाइन फिल करते रहना है। यहाँ पे कंप्लीट हमारा डिजाइन फिल हो चुका है। अब हम और कुछ डिजाइन फिल कर लेंगे एंड में, इस तरह से। सर्कल, छोटे छोटे सर्कल हम फिल कर लेंगे और सेम उसी तरह का डिजाइन हम यहाँ पे फिल कर देंगे। और कुछ कर लाइन हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इस तरह से। ये बिल्कुल ध्यान से करना है, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा प्रॉपर तरीके से ड्राइंग कंप्लीट होता हुआ आ जाता है, अगर कोई गलती से अगर ब्रश का कोना इधर उधर चला गया या फिर मार्कर आप यूज़ कर रहे हो, वट एवर दिस एनी मीडिया, तो होता क्या है, हमारा डिजाइन खराब हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें दोबारा करना पड़ता है। तो ये बहुत ध्यान से करना है आपको। इस तरह से इस तरह से आप देख रहे हो कि कंप्लीटली ड्राइंग हमारा फिल हो चुका है। अब हम कुछ ट्रिपलिंग वगैरह ऐड कर लेंगे इसमें फिश फॉर्म में। इस तरह से आप देख रहे हो कि ट्रिपलिंग किस तरह से हो रही है। डॉट डॉट करके लगाना है इस तरह से। इस तरह से सभी को मतलब ग्रेडन के हिसाब से ट्रिपलिंग करना है। पहले फर्स्ट वाश, सेकंड वाश एंड थर्ड वाश, मतलब थर्ड टोनिंग में आपको ट्रिपलिंग करना है। ट्रिपलिंग, अगर आपको ट्रिपलिंग समझ में नहीं आता है तो इसको डॉट कहते हैं। इस डॉट डॉट आप कर सकते हो। इस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह कितना खूबसूरत हमारा डिजाइन दिख रहा है। और इस मधुबनी आर्ट्स, इसे मधुबनी आर्ट कहते हैं क्योंकि इस फॉर्म में रियलिस्टिक नहीं होता है, ये पूरा डिजाइन में होता है, तो इसीलिए इसे मधुबनी आर्ट कहते हैं। इस तरह से अब हम कुछ स्ट्रोक ऐड कर लेंगे इसमें, माउथ का डिप ऐड कर लेंगे और उसके साथ हम यहाँ पे स्ट्रोक ऐड करेंगे डिजाइन में, ताकि हमारी कोई जगह छूटने ना पाए। इस तरह से सभी पार्ट को इस तरह से स्ट्रोक से फिल कर लेना है। इस तरह से सेम उसी तरह यहाँ पे फिल करना है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा। और रह गई ये वाला पार्ट में हम डिजाइन फिल करेंगे स्ट्रोक के हिसाब से। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा। और कुछ हम ब्लैक ब्लैक डॉट यहाँ पे लगा देंगे डिज़ाइन के हिसाब से, ताकि ये फिनिशिंग है तो ये हम फिनिशिंग कर रहे हैं इसका, ताकि कंप्लीट हमारा ड्रॉ लगे।
इस तरह से। इस तरह से अब देख रहे हैं कि कंप्लीट हमारा मधुबनी आर्ट हो चुका है। सेम ऐसे ही करना है आपको। थैंक यू सो मच।